आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लेवीय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय वचन 21 से 32। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो, तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का दसवां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए और दो पंडुक या कबूतरी के दो बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और आठवें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सन्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुको या कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करें जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है।